हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रोड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि भारत पे एक ऑफिशियली है अपना गवर्नमेंट इंडियन एप्लीकेशन है, इसका आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इसमें किस प्रकार आप मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं इसके बारे में कम्प्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत पे एक इंडिया का एप्लीकेशन है जो 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है और 4.6 का रेटिंग है और एक ट्रस्टेबल ऐप है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। किस प्रकार यूज़ करना है इसके बारे में कम्प्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको फटाफट सेटअप करने का प्रोसेस आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इंग्लिश कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट क्यू आर कोड 0% चार्जेस है। ठीक है, यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फटाफट कर देता हूँ, सारी परमिशंस को यहाँ पे मैं अलाउ दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जो नंबर रजिस्टर करना है आधार कार्ड में, जो लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है ताकि पेमेंट आपकी बैंक में आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, अगर इस प्रकार नहीं होता है तो आपको मैन्युअली नंबर डाल के कंटिन्यू कर सकता है। आप मैन्युअली यहाँ पर डालेंगे तो आप यहाँ पर OTP आएगा रजिस्टर नंबर पर, OTP ऑटोमेटिक ओपन यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर दोगे दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे फटाफट में इसको वेरीफाई कर देते हैं। 3 लाइन पर यहाँ पे क्लिक करना है, आपको अपना एक्टिवेट डिजिटल QR, यहाँ पे डिजिटल हमें अपना QR कोड एक्टिवेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का नाम लिखना है, किस कैटेगरी का यहाँ पे बिजनेस है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस सब कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करनी है। ठीक है, वहाँ पे मंथली इनकम क्या है और यहाँ पे टाइप ऑफ यहाँ पे कौन सी, मतलब इंडिविजुअल है, प्राइवेट है या पार्टनर में, वो डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मैंने दोस्तों यहाँ पे मैन्युअली सारी डिटेल भर दी है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट प्रोफाइल हो जाएगा। यहाँ पे आगे का QR कोड ट्रांजेक्शन बैंक डिटेल अपने को डालना है, जिसमें अपनों को पेमेंट रिसीव चाहिए, जिस बैंक में आप पेमेंट लेना चाहते हैं उसका यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि बैंक अकाउंट यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। अगर यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1.25, मतलब यहाँ स्कैन करके भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का भी। आप यहाँ पे कुछ डिटेल आप देख सकते हैं, RBI इज़ परमानेंटेड कस्टमर टू पे वाया रूपे क्रेडिट कार्ड एंड वॉलेट ऑन भारत पे QR, उसका चार्ज लगेगा 1.25%। क्रेडिट कार्ड से भी सामने वाला कस्टमर पेमेंट आपको कर सकता है, तो यहाँ पे यस नो कर देना है। अगर ज़रूरत है एक्सेप्ट की तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस ये सही यही रखना है तो यही रख सकते हैं, अथवा न्यू एड भी ऑप्शन है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल चूज़ कर लेनी है, जिस बैंक में आप ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे ये अकाउंट नहीं रखना है तो मैं चेंज अकाउंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे अपनी बैंक चूज़ करनी है कि कौन सी वाली बैंक मुझे यहाँ पर रखनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर IDBI यहाँ पर नाम दिखा नहीं रहा था बैंक का, तो मैंने यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर नाम निकाला है और ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फिंच कर लिए अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो यही मुझे अकाउंट नंबर रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बैक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंट नंबर को आपको एक बार चेक कर लेना है कंप्लीट है, तो इस पर क्लिक करके इसको प्राइमरी में सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका पान नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पैन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत आएगा और यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो फटाफट हम क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास GST वगैरह है तो GST भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड आपको रीसबमिट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हो चुका था इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम पहले किया था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया था। तो वही बंदा है कि दूसरा बंदा है वो लोग चेक करते हैं बस, वेरीफाई के लिए, ओनली फॉर वेरीफाई। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना है डालकर। जैसे ही यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। आपका जो बैंक अकाउंट, मतलब जो आधार कार्ड से आपने एक बार डिजी लॉकर से रजिस्टर किया हो उस टाइम ये जनरेट करने का होता है। अगर नहीं किया होगा तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के नया पिन बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पिन डाल देता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। सारी परमिशंस को अलाउ देने के बाद हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद ये हमारी डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी, पूरी डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड शॉप फोटो डालना है, तो शॉप फोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए दिया गया है किस प्रकार का आपको फोटो डालना है। फोटो आपको क्लियर पाड़ना है ताकि चारों तरफ से दुकान दिखनी चाहिए। ठीक,
जैसे दोस्तों यहाँ पे फोटो अपलोड करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा वेरीफाई डन हो चुका है। अब डन पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे 3 लाइन पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। किसी को भी ये क्यूआर कोड भेज के आप पेमेंट लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। माय अकाउंट में जाके आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट या एड्रेस या फोन नंबर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैनेज एजेंट में जाएंगे तो कोई भी शॉप में आपका वर्कर है उसको भी नोटिफिकेशन आए ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ऐड ऑन एजेंट पर क्लिक करके उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और यहाँ पे ऐड कर सकते। हमें यहाँ पे फ्री में नोटिफिकेशन चाहिए इसलिए हमने फ्री वाला ही ऑन रखा है। अगर पेड वाला करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप और टेक्स्ट मैसेज में वो भी ऑन कर सकते हैं, बट हमें फ्री वाला ही रखना है, वही हमारे लिए बेस्ट है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको भारत पे स्पीकर चाहिए या यहाँ पे भारत के क्लब क्यूआर कोड, यहाँ से क्यूआर कोड भी आप मंगा सकते हैं ऑर्डर करके, ठीक है, आपकी शॉप में। तो वो क्यूआर कोड भी आपको यहाँ पे डेली सेटलमेंट देगा, ऑन डिमांड सेटलमेंट देगा। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको ऑन द वे में मतलब इंस्टेंट आपको पेमेंट की सिस्टम की सुविधा मिल रही है। एस स्वाइप करके आपको मशीन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। 7 डेज़ फ्री ट्रायल के लिए दे रहे हैं। डेबिट कार्ड में 0.40% लग रहा है और क्रेडिट कार्ड में 1.25% यहाँ पे चार्ज लगता है। इसको ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। 7 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे बैंकिंग का ऑप्शन है 3rd नंबर का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माई क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एड्रेस आपने दिया हुआ है फ्री में आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा अपने एड्रेस पर, ठीक है। पर्सनल क्यूआर कोड करना चाहते हैं तो यहाँ अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं अलग अलग कलर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ उसी प्रकार आप अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से आप यहाँ पे क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र टू बैंक, यहाँ पे ट्रांसफ़र टू बैंक का डिटेल मतलब बैंक के ट्रांजेक्शन जो वगैरह है यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट वगैरह ट्रांजेक्शन डिटेल सब सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। लोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप अच्छा ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे कंपनी की तरफ से मतलब लोन भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। गेट भारत पे एम स्वाइप मशीन भी आता है, वो भारत स्वाइप मशीन का यूज़ करके आप पेमेंट का भी लेन देन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे उम्मीद करूँगा ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।